तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके प्यारे चैनल जे आर कॉलेज में, जो कि प्यारा सा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। सो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पे एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया है हमारा नया 12th स्टैंडर्ड का बैच। फिर से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम लोगों ने जे आर ट्यूटोरियल, जो हमारा मेन चैनल था, उसके ऊपर पढ़ाया हुआ है 12वीं वालों को, सही है। इस चैनल पे हम लोग एक बार वापस स्टार्ट कर दिया है और मैं आप लोग को क्या पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी, जिसमें मैंने आप लोग के दो लेसन ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे और हमारा थर्ड लेसन चल रहा है जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सही है। हमारा थर्ड लेसन चलने लग रहा था जिसमें ऑलरेडी मैंने आप लोग को दो लेक्चर दे दिए हैं। तो अगर आप लोग ने पहले और दूसरे लेक्चर नहीं देखे हैं, साथ ही साथ अगर आपने पहले और दूसरे लेसन नहीं देखे तो वो भी जरूर से जाकर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है, समझ में आ रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेनली डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, दैट इज मेंडल का एक्सपेरिमेंट। हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया था, सही है, उसके बाद एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़ लिया था, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो भी हम लोग ने देख लिया था लास्ट वाले लेक्चर में। तो नहीं देखा है तो जरूर से जाकर देख लो, डायरेक्ट इस पर जंप करोगे तो इतनी ज्यादा चीजें आप लोग को नहीं समझ में आएंगी, इसीलिए स्टार्टिंग से एंड तक देखो तो इसलिए चीजें ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाली है, सही है। स्टार्ट करें, अच्छा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो आप जरूर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर के ऊपर से। अगर आप लोग वहां आप लोग प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलेंगे, जैसे आप लोग को वहां पे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, सारे के सारे लेसन के। उसके बाद आप लोग को वहां पे जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, समझ में आ रही बात, तो उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना और सारी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको, सही है। एक भी रुपया वहां पे आपको नोट्स के लिए, क्वेश्चन पेपर्स के लिए नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे कोई बातें करना है, तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, सही है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है अपने पूरे सेशन के थ्रू, जितने चीजें मैंने पढ़ाई है उसके थ्रू कोई डाउट होता है, तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टा पे मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। या फिर अगर आपको मेरे लेक्चर्स पढ़ के अच्छा लगता है तो वो भी आप यहाँ पे फीडबैक आके मुझे दे सकते हो, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखो लेसन नंबर 3 में, जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम लोग ने क्या स्टार्ट किया था, मेंडल का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में चीजें हम लोग पढ़ रहे थे कि मेंडल ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या किया, सही है। तो अगर मैं बात करूं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की, तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर किया था, सही है। किसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सैटिवम, अभी तक तुम लोगों को याद हो गया होगा, सही है, पाइसम सैटिवम के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने अपने थ्री लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, सही है, जिसमें से जो पहला लॉ था दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर लिया था, जो कि किस पे बेस्ड था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, सही है, फर्स्ट वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद जो हमारा सेकेंड लॉ है, ठीक है, वो भी आपके फर्स्ट यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही बेस्ड है। तो अभी हम लोग सबसे पहले सेकंड लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड लॉ क्या होता है, क्या कहता है वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग जाके डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। और डायहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल ने अपना थर्ड वाला लॉ दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं लॉ ऑफ लॉस की बात करूं, तो इन्होंने थ्री लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं, सही है, इन्होंने थ्री लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वाला लॉ था दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और इसके कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े थे, हम लोग ने दो एक्सेप्शन पढ़े थे ना, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक कोडोमिनेंस, ये दो हम लोग ने पढ़ा था एक्सेप्शन किसके, फर्स्ट लॉ के। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखो, यहीं पे मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ कहता है अगर कोई भी हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स को अगर आप वापस ब्रीड कराओगे, फॉर एग्जांपल F1 जनरेशन है, ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिलते हैं, ब्रीड मिलते हैं, हाइब्रिड मिलते हैं, सही है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी मिल गया, सही है, इसको अगर मैं वापस क्रॉस करा रहा हूं एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी से, तो ये भी क्या है, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या है, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, ये भी हेटेरोजाइगोटिक है, ये भी क्या है, हेटेरोजाइगस है, सही है, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 में बताया था, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा तो पूरा लेसन नहीं समझेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मैंने टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को सिखाए थे, कौन कौन से टर्म्स यूज होने वाले हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, वो बताए हुए हैं, सही है। तो लेक्चर नंबर 1 भी देखना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बताया था कि ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है। तो जब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, कि जब ये गैमेट्स फॉर्मेशन करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब एक कैपिटल टी यहां पे आ जाएगा, एक स्मॉल टी यहां पे आ जाएगा,
सही है, सेम टू सेम सिमिलर सी चीजें यहां पे भी होगी, एक कैपिटल टी यहां पे आ जाएगा और एक स्मॉल टी यहां पे आ जाएगा, सही है। तो इसका मतलब जब ये देखो यहां पे चार टाइप के गैमेट्स बन गए, ठीक है, चार अलग अलग टाइप के क्या बन गए, गैमेट्स बन गए, दीज आर द गैमेट्स, दीज आर द गैमेट्स, और ये क्या है अपने पैरेंट। तो जब भी पेरेंट्स गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पे जो उनके जीन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सही है। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे कोई भी जीन होगा, यहां पे दो क्रोमोसोम होंगे, एक के पास ये कैपिटल टी है, एक के पास क्या है ये स्मॉल टी है, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, समझ में आ रही बात। दो अलग अलग सेल बने, आधे क्रोमोसोम इधर चलेगा, आधे क्रोमोसोम इस वाले गैमेट में चलेगा। मतलब जब भी गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है, जब भी ध्यान सुनो, गैमेट्स का फॉर्मेशन करना होता है तो जितने भी जो आपके क्रोमोसोम्स है या फिर जितने भी जो आपके अलील्स है वो दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, समझ में आ रही बात। यही है हमारा सेकेंड लॉ, ठीक है, यही है हमारा सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मैंने आप लोगों को सिखाया वही कहता है, क्या कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज व्हेन हाइब्रिड फॉर्म गैमेट, ठीक है, जब हाइब्रिड क्या बनाएगा, फॉर्म्स गैमेट, द अलील्स, जो अलील्स है ना उसके अंदर वो सेग्रीगेट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो जाएंगे, एंड दे फॉर्म ईच अदर, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, एंड इन एंड एंटर इन द डिफरेंट गैमेट। वही मैंने आप लोगों को बताया कि जो हाइब्रिड है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने आप क्या बताया, जब हाइब्रिड गैमेट बनाएगा, व्हेन हाइब्रिड फॉर्म्स अ गैमेट, जब हाइब्रिड क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा, ठीक है, जब हाइब्रिड क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा, द अलील्स, जो इसके अंदर अलील्स है, दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, एंड एंटर इन द डिफरेंट गैमेट, और ये कहां हो जाएंगे, अलग अलग गैमेट्स में चले जाएंगे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, सही है। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। अब ऐसा क्यों, जिनको नहीं पता बता दूं, ठीक है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कह रहे हैं, देखो क्योंकि हमारे जो गैमेट्स है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे, वो हमेशा क्या हो जा रहे हैं, प्योर फॉर्म में अलग अलग हो जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि यार कैपिटल टी और स्मॉल टी है और दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए, तो क्या ये कभी सेपरेट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। और अगर इनको मैंने सेपरेट कर लिया और इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं दूसरे कैपिटल टी वाले प्लांट से जोड़ देता हूं, तो यहां पे ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा, कैपिटल टी मतलब ये क्या हो गया, पूरा प्योर बन गया। इसी को हम लोग प्योर बोलते हैं ना, इसी को हम लोग प्योर बोलते हैं। मतलब यहां पे हमारी जो गैमेट्स हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और एक और बात बताता हूं कि इस लॉ के एक भी एक्सेप्शन नहीं है, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे ये लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहां बड़ा सा लिख लो, दैट इज नो एक्सेप्शन, इस लॉ के नो एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है, ठीक है, इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है कि ये पूरे दुनिया में एप्लीकेबल है, इसके कोई भी एक्सेप्शन आप लोग को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अगर उनको गैमेट का फॉर्मेशन करना है, चाहे समझ में आ रही बात, चाहे टाइगर हो गया, चाहे लायन हो गया, चाहे हम ह्यूमंस हो गया, चाहे प्लांट्स हो गया, अगर उन्हें गैमेट का फॉर्मेशन करना है तो उन्हें सेग्रीगेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, उन्हें सेग्रीगेशन करना ही पड़ेगा। देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है, समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्रॉस के ऊपर, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ, ठीक है, मैंने डायरेक्टली ये कर दिया था क्या, अच्छा चलो यहां पे अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान सुनो, अब हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है, कि आखिरकार डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, ठीक है, कैसे किया जाता है। आप देखो अभी तक हम लोग ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं वो समझ लिया, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे, ठीक है, एक ही कैरेक्टर को उठा रहे थे और उसका क्रॉस करवा रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पर वर्ड है देखो डाई, डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब होता है बच्चों दो, मतलब अब यहां पे हम लोग दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे। जब मेंडल एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहा था ना, तो यार बोला यार अगर मैं एक एक कैरेक्टर को स्टडी करता रहूंगा तो यार मेरे तो जन्म निकल जाएंगे, मैं स्टडी ही करते रह जाऊंगा हर कैरेक्टर को, सही है। तो मेंडल क्या बोलता है कि यार मैं अब क्या करता हूं, दो दो कैरेक्टर को एक साथ पढ़ता हूं। अगर मैं ऐसा देख लेता हूं कि यार अगर कोई एक प्लांट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो सीड आ रहे हैं वो राउंड है, ठीक है, और उनका कलर कैसा है, क्या वो येलो कलर के या फिर ग्रीन कलर के, सही है। तो हम लोग यहां पे दो कैरेक्टर्स को जो आपके बुक में दिए वही दो कैरेक्टर्स को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, दैट इज सीड को,
ठीक है, हम लोग सीड को कंसिडर करने वाले। अब मैंने बताया था सीड की दो चीजें होती है, एक तो सीड का कलर, एक तो सीड का शेप। सही है, एक सीड का कलर और एक सीड का शेप। और मैंने आप लोगों को बताया था अगर कलर येल्लो हो, ठीक है, फर्स्ट वाले सेकंड वाले वीडियो में बताया था शायद, अगर कलर येल्लो हो तो वो क्या होगा, डोमिनेंट। सही है, और इसको हम लोग कैपिटल वाई से दिखाएंगे। और अगर कलर ग्रीन हो तो वो क्या होगा, रिसेसिव, और उसको हम लोग स्मॉल वाई से दिखाएंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अगर आपका कलर सीड का येल्लो हो तो इट इज अ डोमिनेंट, ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। और अगर रिसेसिव की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। वहीं अगर मैं शेप की बात करूं, ठीक है, अगर मैं शेप की बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अगर आप मटर लेने निकलोगे मार्केट में तो आपको कैसा मटर चाहिए, एकदम राउंड राउंड मटर चाहिए या फिर एकदम पिचका हुआ मटर चाहिए, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर हमको राउंड राउंड ही चाहिए क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, सही बात है। तो अगर शेप इसका राउंड है, ठीक है, अगर किसी भी मटर का शेप राउंड है देन इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, और इसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाएंगे। सही है, और अगर वो व्रिंकल्ड है मतलब थोड़ी सी मुरझाया हुआ है तो वो रिसेसिव है, और उसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाएंगे। सही है, तो ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये हम लोग को पता है। सही है, अब क्या बोला मेंडल ने कि ये दो कैरेक्टर को कंसिडर करो, ठीक है, ये दो कैरेक्टर को कंसिडर करो और अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। सही है, तो इन्होंने क्या बोला, एक होमोजाइगस कंडीशन ली, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, मतलब सारे के सारे डोमिनेंट होंगे। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, ऐसा सीड जो राउंड है, ठीक है, एक सी, देखो मैंने आप लोगों को बताया था हर कैरेक्टर के लिए दो अलीले, ठीक है, हर कैरेक्टर के लिए कितने अलीले, दो अलीले, तभी तो वो होमोजाइगस, तभी तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ। तो यहां पे अगर मैं राउंड की बात करूं तो राउंड के लिए दो अलील होगा, ठीक है, मतलब शेप की बात करूं तो शेप के लिए दो अलील, या तो वो कैपिटल आर हो सकता है या तो वो स्मॉल आर हो सकता है, या फिर वो दोनों कैपिटल आर हो सकता है या फिर दोनों स्मॉल आर हो सकता है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे दोनों क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, साथ ही साथ अगर मैं कलर की बात करूं तो दोनों क्या है, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। तो राउंड और येल्लो, ठीक है, जो भी सीड होगा वो क्या होगा, परफेक्टली राउंड होगा और कैसा होगा, येल्लो कलर का होगा। सही है, वही अगर मैं बात करूं इन्होंने दूसरा क्या लिया, इन्होंने दूसरा होमोजाइगस ही रिसेसिव ले लिया, ठीक है, होमोजाइगस ही रिसेसिव कैरेक्टर ले लिया। सही है, तो रिसेसिव में अगर बात करूं तो दोनों स्मॉल आर हो जाएगा। सही है, और अगर कलर की बात करूं तो दोनों स्मॉल वाई हो जाएगा। सही है, मतलब दिस इज द व्रिंकल्ड येल्लो, सॉरी व्रिंकल्ड ग्रीन, सॉरी इट इज द व्रिंकल्ड ग्रीन, ये जो पॉड होगा ये आप लोगों को ऐसे व्रिंकल्ड होगा, ठीक है, थोड़ा सा मुरझाया हुआ होगा, और अगर इसकी बात करूं तो ये एकदम राउंड होगा और येलो कलर का होगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसा कुछ इन्होंने क्या बोला, स्ट्रक्चर बोला। अब इन्होंने बोला इसको ले लो पेरेंट, इसको क्या ले लो, पेरेंट ले लो। अब इसके अंदर आपको क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, इन दोनों के बीच में क्या करवा दो, क्रॉस करवा दो और देखो कैसे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो अब मैं पूरा क्रॉस नहीं करने बैठूंगा, आप लोग कर लेना, करके देख लेना, वही चीज आएगी। सबसे पहले सेग्रीगेशन होगा, यहाँ पे एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, सही है, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसा सेग्रीगेशन होगा, एक एक जीन एक एक में, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। कोई भी बच्चा सेग्रीगेशन में कैपिटल आर और कैपिटल वाई नहीं लिख के आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टर की, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्रोमोसोम, सही है। अब मैंने क्या बोला था, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या, कि दोनों क्रोमोसोम पे सेम कैरेक्टर होना चाहिए सेम पोजीशन पे। अगर इस पोजीशन पे कलर का जीन है तो इस पोजीशन पे कलर का जीन होगा, अगर इस पोजीशन पे शेप का जीन है तो इस पोजीशन पे शेप का जीन होगा, और जब ये दोनों अलग अलग होंगे ना तो एक कलर वाला और एक शेप वाला एक साथ आएगा, एक कलर वाला और एक शेप वाला एक साथ आएगा। समझ में आ रही बात, तो शेप वाला और कलर वाला एक साथ आया, शेप वाला और कलर वाला एक साथ आया, इसलिए राउंड येलो अलग हुआ और व्रिंकल्ड ग्रीन व्रिंकल्ड ग्रीन अलग हुआ। ऐसे चल के क्या हुआ, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ऐसे चले क्या हुआ, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब जब आगे चल के आप सबको क्या करोगे, एक दूसरे से फ्यूज करवाओगे, मैंने सिखाया ना आप लोगों को, ये इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है और ये इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, सेम टू सेम ये इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है और ये इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन करता है। तो जब आप इसका रिजल्ट देखोगे तो आपका रिजल्ट आएगा चारों के चारों, मतलब जितने भी प्रोजेनी आएंगे सबका रिजल्ट आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आप लोग को क्या देखने मिलेगा, रिजल्ट देखने मिलेगा। अब आप लोग देखो ये बन चुका है हाइब्रिड,
ठीक है, ये क्या बन चुका है हाइब्रिड, मतलब इसके पास एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, राउंड का भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और येलो का भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब ये इसके ऊपर क्या कर जाएगा डोमिनेंट और ये इसके ऊपर क्या कर जाएगा डोमिनेंट, मतलब ये प्लांट हम लोग को फिजिकली कैसा दिखेगा राउंड येलो ही दिखेगा, मतलब इसके पास एक राउंड के डोमिनेंट कैरेक्टर है और एक राउंड के एक क्या है येलो के रिसेसिव कैरेक्टर है। तो अगर मैं फिजिकली बात करूं दूर ऊपर से देखूं तो ये प्लांट हमको कैसा दिखेगा, दैट इज राउंड येलो, ठीक है, कैसा दिखेगा ये राउंड येलो, बट इट इज नॉट अ प्योर राउंड येलो, इट इज अ हाइब्रिड राउंड येलो, ये कैसा है इट इज द हाइब्रिड राउंड येलो, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, समझ में आई। तो हम लोगों ने क्या बोला यहां पे दो कैरेक्टर को क्रॉस करवा के हाइब्रिड बना दिया, ठीक है, दो कैरेक्टर को क्रॉस करवा के क्या बना दिया है हाइब्रिड बना दिया है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई का मतलब दो, समझ में आई बात, दो कैरेक्टर हाइब्रिड बना दिया है कैसे क्रॉस करके, समझ में आई बात, इतना समझ में आया। तो दिस इज अवर एफ वन जनरेशन, दिस इज अवर एफ वन जनरेशन, अब हम लोग क्या करते हैं F1 जनरेशन को F2 जनरेशन बनाते, मतलब F1 जनरेशन की ही जो प्रोजेनी आई है उसको वापस क्या करवाते क्रॉस करवाते और उससे हम लोग क्या करते वापस फॉर्म करते, सही है। तो आ जाओ नेक्स्ट में देखो, यहां पे मैंने पहले से बना के रखा है, यहां पे मैंने पहले से बना के रखा है अपना पुनीत स्क्वायर मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं पुनीत स्क्वायर मेथड, ठीक है, पुनीत नहीं पुनीत स्क्वायर मेथड, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अभी क्या होगा, हम लोग को मिला है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और अब इसको क्रॉस करवाना है सेम टू सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसके साथ क्रॉस करवाना है। तो जब इसके गैमेट फॉर्म होंगे ना तो चार प्रकार के गैमेट फॉर्म हो सकते हैं, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई फॉर्म हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई फॉर्म हो सकता है, या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई फॉर्म हो सकता है, ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है कैपिटल आर स्मॉल वाई फॉर्म हो सकता है, सेम टू सेम स्मॉल आर कैपिटल वाई फॉर्म हो सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई फॉर्म हो सकता है, ये चार टाइप के गैमेट यहां पे बन सकते हैं, ठीक है, तो इसके भी चार गैमेट बन सकते हैं, इसके भी चार गैमेट बन सकते हैं, तो वही चीज मैंने इस मेथड से लिख दिया, इसके मेल के चार गैमेट, फॉर एग्जांपल दिस इज द मेल, तो मेल के चार गैमेट और फीमेल के चार गैमेट, सही है। और अब ये जब क्रॉस करेंगे तो इनके अंदर कैसे कैसे प्रोडक्ट आएंगे वो हम लोग को देखना है, समझ में आई, वो हम लोग को देखना है। तो देखो यहां पे सब सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, जब आप कैपिटल आर को क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, सिंपल है, पहला क्रॉस समझ में आ गया। फिर दूसरा क्या है कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सही है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर इसकी बात करूं तो यहां पे देखो क्या बन रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहां पे देखो दोनों जगह क्या है कैपिटल वाई है, तो यहां पे भी क्या आ गया दोनों कैपिटल वाई आ गए। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, सही है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका कैपिटल वाई इसका स्मॉल वाई, हमेशा देखो एक बात हमेशा रखना कि जो कैपिटल वाले है मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसे पहले लिखा करो और जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसे बाद में लिखा करो। तो ऐसे हम लोग ने हमारी पहली लाइन बना दी, ठीक है, नेक्स्ट लाइन भी ट्राई करो अपने बुक में फटाफट, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, मैं भी यहां पे बना रहा हूं, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सही है कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, समझा, ये वाला और ये वाला, देखो इसका इसका करो तो ये आएगा, इसका इसका करो तो ये आएगा, सही है, इसमें क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, दोनों स्मॉल वाई तो दोनों स्मॉल वाई, ऐसे हम लोग को यहां पे भी बनाना है, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, सही है। उसके बाद यहां पे भी देखो क्या हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सही है, इतना देखो इतना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान से बनाओगे तो सब इजी है, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो सब इजी है। अगर ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो देखो दोनों के पास क्या है स्मॉल आर है और एक के पास कैपिटल वाई है, इसके पास भी कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई, सही है, समझ में आ रही बात। अगर आप इसको इसके साथ करोगे तो देखो दोनों स्मॉल आर है लेकिन इसके पास कैपिटल वाई है, उसके पास क्या है स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैपिटल वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल वाई। सेम इसको अगर आप इसके साथ फॉर्म करोगे तो ये क्या बन जाएगा कैपिटल आर, ये क्या बन जाएगा स्मॉल आर, ये बन जाएगा कैपिटल वाई, ये क्या बन जाएगा स्मॉल वाई। वही अगर आप इसको इसके साथ फॉर्म करोगे तो दैट इज कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, देखो थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूजन हो जा रहा है इसलिए थोड़ा ध्यान से लिखो, मैं लिख सही रहा हूं कभी कभी गलत बोल दे रहा हूं तो ध्यान में रखना। फिर स्मॉल आर ठीक है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर लास्ट में देखो सारे स्मॉल है
सारे स्मॉल है, देखो ये दोनों भी स्मॉल है, वो दोनों भी स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये आपका एक कंप्लीट चार्ट बन गया, ये आपकी टोटल 16 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल कितनी, 16 पॉसिबिलिटी, 16 पॉसिबिलिटी इसी टाइप में कोई ना कोई आपका बेबी फॉर्म होगा, ठीक है, जो प्रोजनी बनेगी, जो प्लांट बनेगा आगे चल के, उनके अंदर कुछ ऐसा ही गैमेट फॉर्म हो सकता है। अब इसके हमको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो बनाने, ठीक है, इसके मुझे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो बनाने हैं। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं, तो फिनोटिपिक मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज का फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी चीज को देख रहे हो कि वो ऊपर से कैसा दिख रहा है, तो कोई अगर आप कोई भी प्लांट को आप अंदर से तो देख नहीं पाओगे कि यार इसके अंदर कैपिटल आ रहा है, इसके अंदर स्मॉल आ रहा है, ऐसा तो देख नहीं पाओगे। अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि यार इस प्लांट के जो सीड है वो राउंड है या तो येल्लो है, सही है। तो यहां से टोटल चार पॉसिबिलिटी बनती है, अगर आप फिजिकली देखो, अगर आप फिजिकली देखो तो टोटल चार पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आपका जो प्लांट है वो राउंड और येल्लो होगा, ठीक है, राउंड और येल्लो होगा, या फिर वो राउंड और व्रिंकल्ड हो सकता है, सही है, मतलब अगर दोनों स्मॉल वाई चले गए ना, नहीं नहीं सॉरी, हाँ स्मॉल वाई चले गए तो वो क्या हो गया, नहीं नहीं राउंड व्रिंकल कैसे होगा, दोनों गैमेट एक साथ थोड़ी आ सकते, गलती हो गई, राउंड येल्लो या फिर राउंड ग्रीन, ठीक है, दोनों गैमेट एक साथ मत लिख देना मेरी तरह, राउंड ग्रीन हो गया, अब यहां से यहां हो सकता है या फिर व्रिंकल्ड येलो, ठीक है, व्रिंकल्ड येलो, या फिर ये हो सकता है व्रिंकल्ड ग्रीन, मतलब टोटल फिजिकली अगर हम लोग बात करें तो चार पॉसिबिलिटी है, ठीक है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, चार पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं बात करूं इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो इसको फिनोटिपिक रेशियो होगा, अगर राउंड येलो की बात करूं तो आपको 9 राउंड येलो मिलेंगे, देखो यहां पे देखो, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, तो चार राउंड येलो हो गए, उसके बाद पांच, उसके बाद छह, ठीक है, ये नहीं होगा, ये हो गए सात, ये हो गए आठ, ठीक है, और यहां यहां ये हो गए आठ नौ, ठीक है, ये कितने हो गए नौ। अब देखो आपको कोई भी राउंड येलो नहीं मिलेगा, सही है, मतलब टोटल राउंड येलो कितने होंगे, नौ राउंड येलो हो गए। फिर अगर आप राउंड ग्रीन देखोगे तो तीन मिलेगा, अगर आप व्रिंकल्ड येलो देखोगे तो तीन मिलेगा, और व्रिंकल्ड ग्रीन देखोगे तो सिर्फ एक ही मिलेगा, मतलब फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया इसका, 9:3:3:1, ठीक है, इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, दैट इज 9:3:3:1, ठीक है, ये तो हो गया फिनोटिपिक रेशियो, जो कि थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू जीनोटिपिक रेशियो। अभी हमको देखना है व्हाट आर द जीनोटिपिक रेशियो, नेक्स्ट है जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है, तो अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर किस टाइप का जीन है प्रेजेंट, ठीक है, अब इसके अंदर किस टाइप का जीन देखने के मिल रहा है वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, सही है। तो अगर मैं जीन की बात करूं, देखो जीन की बात करूं तो ये एक टाइप का जीन है, सही है, ये एक टाइप का जीन है, मतलब दोनों आर है दोनों वाई है, फिर ये एक टाइप का जीन है जिसमें दोनों आर है, एक बड़ा वाई है एक छोटा वाई है, सही है, ऐसे आपको और कितने देखने मिलेंगे, ऐसे ढूंढो, ठीक है, ऐसे आप लोगों को और कितने देखने मिलेंगे जिसमें दोनों आर है और एक बड़ा वाई है एक छोटा वाई है, देखो एक यहां पे आप लोगों को देखने मिल रहा है और एक यहां पे भी आप लोगों को देखने मिल रहा है, दिख रहा है, दोनों आर है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, सही है, तो मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटी मिल गई। अगर बात करो मैं, एक बड़ा आर है एक छोटा आर है, एक बड़ा वाई है एक छोटा वाई, तो इसकी पॉसिबिलिटी देखो कितनी है, यही देखो इस लाइन में देखो, एक दो तीन चार, तो ये कितनी पॉसिबिलिटी मिल गई, चार पॉसिबिलिटी मिल गई, सही है। ऐसे कर करके आप लोग जब फाइंड करोगे, ठीक है, ऐसे कर करके जब आप फाइंड करोगे तो आपको बहुत सारे यहां पे अलग अलग टाइप्स के जीन्स देखने के लिए मिलेंगे। इसका मैं आप लोगों को फिनोटिपिक रेशियो बता देता हूं, 1:1:2:2:2:4:2:2:1:1, ये है इसका फिनोटिपिक रेशियो। हां मानता हूं थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। देखो कुछ वन है कुछ वन है, ठीक है, कुछ दो दो है, एक चार है, मैंने आप लोग अभी दिखाया जो चार था ऐसे सीरीज में, और फिर कुछ दो है फिर कुछ वन है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया जीनोटिपिक रेशियो। अब इसको याद कैसे करना है, देखो याद आपको कैसे करना है, आप लोग ने गाना सुना होगा, दैट इज 1:2:4:4:2:1, सुना है ना, माय नेम इज लखन, सुना होगा ना गाना, तो उसी से याद कर लो, देखो 1:2:4
फोर टू का वन। बस इस गाने में आपको यह याद रखना है कि फोर को वन बार लिखना है और बाकी सबको दो बार लिखना है। तो फोर को एक बार लिखा, बाकी सबको दो दो बार लिखा, मतलब वन को दो बार लिखा, टू को दो बार लिखा, फिर फोर एक बार लिखा, फिर टू को दो बार लिखा और वन वन को दो बार लिखा। सही है, तो गाना याद हो जाएगा वन टू का फोर, फोर टू का वन। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका जीनोटिपिक रेशियो हो गया। ठीक है, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो हो गया। सो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पे मेंडल अंकल ने थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया। अब उस थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कहा क्या उन्होंने, देखो ध्यान से उन्होंने क्या बोला कि अगर ये मिटा दूं इसका, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना एक बार ले लो। ठीक है, स्लाइड मुझे चाहिए तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ले लिया, चलो। मेंडल ने क्या कहा अपने थर्ड लॉ में, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल को क्या समझ में आया। मेंडल ने ये देखा कि यार अगर मैं कैपिटल आर कैपिटल वार ले रहा हूं, ठीक है, और कैपिटल वाई ले रहा हूं, तो इससे जो प्रोजेनी बन रही है, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इससे जो प्रोजेनी बन रही है वो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन रहा है। फिर इससे आगे चले कितने गैमेट बन रहे थे, चार गैमेट अभी देखा हम लोग ने, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सही है, मतलब देखो हर टाइप की पॉसिबिलिटी बन रही है, हर टाइप की पॉसिबिलिटी बन रही है। मतलब अगर मैं बात करूं, दिस इज द वन गैमेट एंड दिस इज द वन गैमेट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक ऐसा जीन है जो कैपिटल आर दिखा रहा है, ठीक है, यहां पे एक ऐसा जीन है जो स्मॉल आर दिखा रहा है। सही है, फिर यहां पे एक ऐसा जीन है जो बड़ा वाई दिखा रहा है और यहां पे एक ऐसा जीन है जो छोटा वाई दिखा रहा है। देखो दोनों क्या है, कलर के, सेम पोजीशन पे दो सेम गैमेट है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम उसको बोलते हैं जो सेम पोजीशन पे सेम गैमेट दे, मतलब सेम कैरेक्टर दे। तो ये भी येलो का कैरेक्टर है, मतलब ये भी कलर का कैरेक्टर है, दोनों कलर दे रहे, बस अलग अलग कलर दे रहे, ट्रेट अलग हो सकते हैं लेकिन कैरेक्टर सेम होंगे। तो ये येलो कलर दे रहा है, ये ग्रीन कलर दे रहा है, ठीक है, ये राउंड दे रहा है, ये व्रिंकल दे रहा है। सही है, तो अब देखो यहां पे क्या, देखो जब इन्होंने क्या बोला कि जब आपका कोई भी सेल या कोई भी पेरेंट गैमेट फॉर्म करेगा तो हर पॉसिबिलिटी से वो फॉर्म कर सकता है, चाहे तो ये इसके साथ गैमेट फॉर्म कर सकता है, चाहे तो एक सेकेंड, चाहे तो ये इसके साथ गैमेट फॉर्म कर सकता है। सही है, चाहे तो ये इसके साथ गैमेट फॉर्म कर सकता है, चाहे तो ये आपस में भी गैमेट फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, मतलब अगर गैमेट फॉर्म करने की बारी आ रही है तो ये सब कुछ इंडिपेंडेंट है, ये किसी के साथ भी गैमेट फॉर्म कर सकता है। ये जो आर है, बस इस आर को छोड़ के, ये इसके साथ भी गैमेट फॉर्म कर सकता है, ये इसके साथ भी गैमेट फॉर्म कर सकता है, वैसे ही ये इसके साथ भी गैमेट फॉर्म कर सकता है और ये इसके साथ भी गैमेट फॉर्म कर सकता है। समझ में आ रही बात, मतलब अगर गैमेट फॉर्मेशन की बातें करूं, अगर मैं असॉर्टमेंट की बातें करूं, तो सारी चीजें क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब कोई किसी के साथ भी जाकर गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही कहा इन्होंने, देखो, when hybrid possessing two or more pair of contrasting alleles, ठीक है, क्या बोल रहा है, जब एक ऐसा hybrid वो क्या बनाएगा, pair of contrast, जिसके पास pair of contrasting alleles हो वो क्या बनाएगा, gamete बनाएगा, वो क्या बनाएगा, gamete बनाएगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो the alleles in each other segregate independently, जो alleles present है ना किसी भी character में, वो independently क्या होते हैं, segregate होते हैं, मतलब अलग अलग separate होते हैं independently ऑफ द अदर पेयर, मतलब अगले पेयर के साथ वो इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, मैचिंग करेंगे और इंडिपेंडेंटली वहां पे क्या होंगे, वो सेग्रीगेट होंगे। समझ में आया, दिस इज द थर्ड लॉ, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स, ठीक है, मेंडल के इनहेरिटेंस का थर्ड लॉ है। अगर मैं इसके एक्सेप्शन की बात करूं तो यस देयर इज वन एक्सेप्शन अवेलेबल फॉर दिस लॉ। अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो एक एक्सेप्शन है, दैट इज लिंकेज, ठीक है, लिंकेज एक एक्सेप्शन है। लिंकेज क्या कहता है, ध्यान से सुनो, लिंकेज क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्रोमोजोम एंड दिस इज वन ऑफ मोर क्रोमोजोम, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यहां पर डीएनए प्रेजेंट है, यहां पर डीएनए प्रेजेंट है। अब मान लो यहां पर कोई जीन है, फॉर एग्जाम्पल मेरी आंखों का कलर जीन, आंखों का कलर का जीन है, और ये मेरे आंखों को ब्लैक कलर दे रहा है और ये मेरी आंखों को ब्राउन कलर दे रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेरे आंखों को ब्लैक कलर दे रहा है और ये किसको दे रहा है, ब्राउन कलर दे रहा है। वही यहां पर मेरे स्किन के कलर का जीन है, ये मेरे स्किन के कलर को थोड़ा सा व्हाइट बना रहा है, ये भी सेम टू सेम व्हाइट बना रहा है, सही है, ये भी क्या बना रहा है, व्हाइट बना रहा है, सही है। और एकदम दूर यहां कहीं पे मेरे बॉडी में, फॉर एग्जांपल किसका एग्जांपल ले, चलो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरे हाइट का जीन बना रहा है, तो ये मुझे टॉल कर रहा है और ये मुझे छोटा कर रहा है, मतलब ड्वार्फ कर रहा है, मान लो, ठीक है, मान लो कुछ ऐसे जीन्स है। तो अब मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट लॉ के हिसाब से
ये जो जीन है ये चाहे तो इसके साथ जा सकता है, चाहे तो इसके साथ जा सकता है, ये चाहे तो इसके साथ जा सकता है, चाहे तो इसके साथ जा सकता है। लेकिन जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ये देखने के लिए मिला हम लोग को कि जनरली जो पास पास वाले जीन्स होते हैं ना वो हमेशा साथ में जाते हैं गैमेट फॉर्म करने के लिए। मतलब जो पास पास वाले जीन होंगे, देखो ये दोनों एक दूसरे के पास है तो ये दोनों हमेशा साथ में जाएंगे गैमेट्स का फॉर्मेशन करने। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लिंक रहेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ लिंक रहेगा और ये हमेशा साथ में जाएंगे गैमेट फॉर्म करने। मतलब ये दोनों इसके साथ गैमेट फॉर्म कर सकते हैं, ये दोनों इसके साथ गैमेट फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके पास ऑप्शन नहीं है कि ये इसके साथ जाए या इसके साथ जाए, इसको इसके साथ ही जाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, इसको हम लोग कहते हैं लिंकेज। और ये जो दोनों जीन्स हैं जो एक साथ जा रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं लिंक्ड जीन, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, समझ में आया कि दो जीन अगर बहुत ही पास पास क्लोज क्लोज प्रेजेंट है तो उनको यह ऑप्शन नहीं मिलता कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सके, सही है, इंडिपेंडेंटली यहां से वहां जा सके, उनको भैया इन दोनों को साथ में ही जाना पड़ेगा, इन दोनों को साथ में ही जाना पड़ेगा। इस चीज इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकेज। और ये दोनों जीन जो एक साथ जा रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन। समझ में आई बात। अच्छा, जो लिंकेज है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के, आगे जो आने वाले वीडियोस होंगे उसमें हम लोग लिंकेज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो को यहां तक आप लोग ने देख लिया तो इसको लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडी।